अब जब इसको उठाएंगे तो ये यहाँ से उठ जाएगा। और देख रहे हैं यहाँ दो बैटरी लगा हुआ है, मैंने कार्टून निकाला नहीं है। तो बंद करने के बाद आपको यहाँ से हैंड ब्रेक लगाना है, या अगर यहाँ पे है तो यहाँ से लगाइए, ठीक है। लगाने के बाद ठीक हो के आप चला लेंगे ये, तो हाँ चला लेंगे, ठीक है जाइए चलाइए। तो सबसे पहले दोस्तों आना है आपको, तो अपने एकदम एडजस्टमेंट जितना करना है आपको कर लीजिए, ताकि आप एकदम कंफर्टेबल हो जाए, आपको चलाने में इजी हो, दिक्कत ना हो, ठीक। दोस्तों जब आप सऊदी अरब के लिए काम कराते हैं या अदर कंट्री कहीं के भी लिए, अगर फोर्कलिफ्ट में आना चाहते हैं आप, तो जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना, तो आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो वो आज मैं आप बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि वो कैसा कैसा क्वेश्चन होता है, कौन कौन सा क्वेश्चन होता है, और कैसे आपको जवाब देना चाहिए, ठीक है। दोस्तों ज़्यादा आपका समय न लेंगे, वीडियो करेंगे स्टार्ट। हाय निखिल दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब जहाँ भी कहीं होंगे स्वस्थ मस्त और अपने काम में व्यस्त होंगे। आप जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे एक बंदा होता है, फोर्कलिफ्ट आपके पास लगा होगा। वो फोर्कलिफ्ट ऐसा मत सोचिएगा कभी भी कि नया होता है, नया फोर्कलिफ्ट पहले नहीं होता है। इसलिए कि मैं जहाँ भी गया हूँ इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, वहाँ पर मैं देखा हूँ, मैं पोकलैंड भी चलाता हूँ, लेकिन मैंने जहाँ पे भी मैं गया हूँ पोकलैंड का या इसका इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे मैंने यही देखा है कि एकदम कबाड़ से कबाड़, एकदम बेकार से बेकार फोर्कलिफ्ट मिलता है। दोस्तों आप सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आके कि आप सब अगर फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हैं और आपने इंटरव्यू दे करके, आप अगर गल्फ़ कंट्री में अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और गल्फ़ कंट्री में आ चुके हैं आप, तो बताइएगा ज़रूर मैं कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। कितने लोग हैं जो एकदम पुराने पुराने एकदम फोर्कलिफ्ट पे इंटरव्यू मार करके यहाँ पर आए हुए हैं पास होकर। तो दोस्तों कभी मत सोचिएगा कि वो फोर्कलिफ्ट नया होता है, वो एक फोर्कलिफ्ट एकदम वो बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है, ठीक है, ढंग से वो चलता नहीं है वो, ठीक है ना। लेकिन आदमी का जो है एक्सपीरियंस होता है काम का, जो बंदे काम किए रहते हैं वो तुरंत पास हो जाते हैं। जो बंदा वहाँ पे खड़ा होता है तुरंत वो देखेगा आपका चढ़ने का स्टाइल, ठीक है ना, कैसे आप चढ़ रहे हैं, किधर से चढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने कैसे स्टीयरिंग पकड़ा, कैसे लीवर पर हाथ रखा, वो देखते ही आपको तुरंत वहीं पर नंबर दे देगा। बाकी आप चलाइए क्या कर रहे हैं आपसे मतलब नहीं है उसको, वो तुरंत वहीं पर नंबर दे देगा। दोस्तों सबसे पहले मैं दिखाता हूँ लेफ्ट साइड में, देखिए कभी भी आप जब फोर्कलिफ्ट का इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर फोर्कलिफ्ट लगा हुआ है और आपको फोर्कलिफ्ट अगर वहाँ पर बंदा बोल रहा है जरिए, ठीक है, सबसे पहले पूछेगा कि वो आपने कौन सा फोर्कलिफ्ट चलाया है, आप बोलेंगे ये कंपनी में चलाया हूँ इतने टन का, ठीक हो के आप चला लेंगे ये, तो हाँ चला लेंगे, ठीक है जाइए चलाइए। तो सबसे पहले दोस्तों आना है आपको, तो अपने चक्के को देखना है, ये बात याद रखिएगा आप लोग, अपने चारों तरफ घूम के अपने चक्के को देखिए, ऐसे आप मार भी सकते हैं चक्के पे, ठीक है ना, कि हवा वगैरह सारा कुछ बराबर है कि नहीं, सब कुछ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, सब कुछ पहले देखिए। उसके बाद से जो है कि आप अपना बैटरी देखिए, ऐसा ना कि आप ऑपरेटर सीट पर जाएँ सेल्फ हमारे तो सेल्फ काम ही ना करें, क्यों कि जब बैटरी नहीं रहेगा तो कैसे काम करेगा। तो आपको सबसे पहले अपने बैटरी को, तो 16 टन फोर्कलिफ्ट होता है, तो देखिए फोर्कलिफ्ट का अलग अलग सिस्टम है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर ही रहेगा बैटरी, ठीक है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि उधर ही रहेगा बैटरी, ठीक है ना, बैटरी का जो बॉक्स होता है, तो आप जाइए उस साइड में, इसलिए कि इसका इधर टूल बॉक्स है, कभी भी ध्यान रखिएगा, बाबू थोड़ा इधर पास में आइएगा कैमरा लेके, देखिए कभी भी अगर आप देखिए ना कि ये पोजिशन का ये डिज़ाइन है इसका, ये डिज़ाइन देख रहे हैं आप लोग, इतना ही डिज़ाइन है यहाँ से, तो आप समझ जाइए कि ये टूल बॉक्स है, ठीक है। बहुत जगह फोर्कलिफ्टों पे लिखा भी रहता है यहाँ पे स्टिकर टूल बॉक्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये टूल बॉक्स का ये डिज़ाइन होता है, ठीक। अब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे साइड कि दूसरे साइड में क्या सिस्टम होता है, ठीक है दोस्तों, जो बैटरी वाला होता है उसका क्या सिस्टम होता है, देखिए वहाँ पर यहाँ से डिजाइन था ना, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ नीचे से डिजाइन है, ये कटिंग है, देख रहे हैं आप लोग, अब जब इसको उठाएँगे तो ये यहाँ से उठ जाएगा। और देख रहे हैं यहाँ दो बैटरी लगा हुआ है, मैंने कार्टून निकाला नहीं है, ये कार्टून में जो गत्ते में आया था निकाला नहीं था, नया बैटरी है, तो हमने ऐसे ही लगा के रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पे बैटरी होता है और ये पूरा फुल जो है कि खुलने वाला होता है नीचे से, यही इसकी पहचान होती है। बहुत सारा जो है कि फोर्कलिफ्ट होता है जिसका साइड में रहता है, तो जो आप फोर्कलिफ्ट चलाए हैं दिमाग में रखिएगा हमेशा दोस्तों। तो ये पहला और दूसरा हो गया कम्प्लीट, ठीक है ना, कि बैटरी को अपने बैटरी को चेक करना है कि आपका बैटरी उसमें लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है ना, वरना आप चढ़ेंगे फोर्कलिफ्ट पे फिर नीचे उतरना पड़ेगा, वहीं पे आपको फेल कर देगा, ठीक है, नंबर आपका कम हो जाएगा चाहे आप कितने बड़े फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हों। चौथे नंबर में आपको चेक करना है इसमें कूलेंट वाटर, यानी रेडी वाटर में पानी, ठीक है ना, तो उसको कूलेंट वाटर बोलते हैं, तो आपको चेक करना है आपका जो है कि उसमें बराबर है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद से आपको हाइड्रोलिक ऑयल चेक कर सकते हैं, आप ट्रांसमिशन ऑयल चेक कर सकते हैं, ये करने के बाद उसके बाद फाइनली आप बैठिए सीट के ऊपर।
सीट के ऊपर जब बैठिए तो अपने सीट के ऊपर कभी भी अगर आप फोरक्लिप पे बैठना हो, छोटा हो फोरक्लिप या बड़ा हो, सबसे पहले लेफ्ट साइड से चढ़ा जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। बहुत सारे फोरक्लिप ऑपरेटर आते हैं दूर साइड से होता है तो क्या करते हैं, उधर से लगते हैं चढ़ने, लेकिन उधर से नहीं चढ़ना चाहिए, इसलिए उधर लीवर होता है वर्किंग का। बहुत सारे फोरक्लिप में क्या होता है, डायरेक्ट होता है, तुरंत चढ़ते वक्त ही अगर हाथ वगैरह से लग गया तो तुरंत लगता है वर्क होने, अपने आप लगेगा काम करने, ठीक है, तो उससे एक्सीडेंट होना निश्चित होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेफ्ट साइड से अपने यानी लेफ्ट साइड से आपको चढ़ना है यहाँ से, और जब आप चढ़ते हैं ना तो आदमी चढ़ता ऐसे ही चढ़ेगा, और यहाँ पे बैठते ही, ठीक है ना, यहाँ बैठा ये तरीके से, तो यहाँ बैठने के बाद आपको ये जो है कि छठा नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, पांचवा तो बताया हूँ कि किस तरह से चढ़ना चाहिए, और छठे नंबर बता रहा हूँ ये कि आप अपना जब बैठते हैं यहाँ कुर्सी पे अपने ऑपरेटर सीट पे, तो अपने सीट को कंफर्टेबल कीजिए, अपना एकदम एडजस्टमेंट जितना करना है आपको कर लीजिए, ताकि आप एकदम कंफर्टेबल हो जाए, आपको चलाने में इजी हो, दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ये सब वो चीज़ें वहाँ पे खड़ा होकर देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जाकर बैठ जा रहे हैं, ठीक है ना। आप ऐसे करेंगे अगर कंफर्टेबल है आपको तो आप चलाइए, वो समझ जाएंगे कि हाँ उसे कंफर्टेबल में है, ठीक है। और अगर आप नहीं चला रहे हैं, अगर ऐसे किए हुए हैं या ऐसे किए हुए हैं, तो आप समझ जाएगा कि वो आप चलाए नहीं, वहाँ पर नंबर आपका कम कर देगा, ठीक है। और नंबर का ही सब मारे दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करने के बाद तुरंत वर्क मत कीजिए, स्टार्ट करने के बाद तुरंत वर्क मत कीजिए, इसलिए कि यह हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, ठीक है ना। हाइड्रोलिक इसका धीरे धीरे काम करना शुरू करता है, एकदम से काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने के बाद अगर गर्मी का मौसम है तो आप 2-4 मिनट स्टार्ट रखिए, उसके बाद से थोड़ा सा लीवर से उसको हल्का ऊपर कीजिए नीचे कीजिए, उसके बाद जो काम करना हो काम कीजिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से फिर जब वो बोल दे कि हो ओके आप हो जाए, हो गया आपका, आप उतर आओ नीचे, ठीक। उसके बाद से आप जहाँ से फोरक्लिफ्ट लेकर गए हो, जहाँ से आप फोरक्लिफ्ट लेकर गए हो स्टार्ट करके, फिर वापस वहीं पर आके रोक के उसके बाद अपना सिक्किन जो है, ये जो स्टॉक है प्लेट है, इसको नीचे करना, नीचे करने बाद इसको बंद करके ब्रेक लगाना है, ठीक है ना, अपना हैंड ब्रेक लगाना है, उसके बाद से आपको नीचे उतरना है। और दोस्तों मैंने बताना भूल गया है कि आपको अपना हैंड ब्रेक भी छुड़ाना पड़ता है, जैसे आप यहाँ कुर्सी पे बैठे ऑपरेटर सीट पे, तो आपको कई जगह यहाँ पे हैंड ब्रेक होता है, कई जगह यहाँ पे होता है ये राइट साइड में लीवर के पास, ठीक है। तो आप बैठते समय उस तुरंत पहले उसको छुड़ाना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने वीडियो में बताना भूल गया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, ठीक है ना दोस्तों। तो बंद करने के बाद आपको यहाँ से हैंड ब्रेक लगाना है, या अगर यहाँ पे है तो यहाँ से लगाइए, ठीक है। लगाने के बाद आप उसके बाद से नीचे उतरिए, ठीक है ना, ऐसे करते हुए नीचे उतर जाइए, ठीक। उसके बाद से आप अपना जाइए वहाँ पर, जो उसका पूछेगा वो कि आयल कितना पड़ता है, हाइड्रोलिक आयल कितना पड़ता है, इंजन आयल कितना पड़ता है, ट्रांसमिशन आयल कितना पड़ता है, ब्रेक आयल कितना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो आपने नहीं देखा है पहले, तो मैंने पहले वीडियो बना के डाला हुआ है अपने चैनल पे, और यहाँ पे जितना भी जो भी आयल पड़ता है मैंने बताया हुआ है। हर देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी किसी को आप बताना चाह रहे हैं कि हाँ हमारा 3 टन का फोरक्लिफ्ट है तो 7 लीटर आयल पड़ता है, तो 5 से 7 बताइए, बोलिए 5 से 7 लीटर पड़ता है, इसलिए कि हर कंपनी का एक अलग अलग रूटीन होता है, अलग अलग वो जो चैम्बर होता है आयल का, वो छोटा होता है किसी का बड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ लेके बताया कीजिए, हाँ फिल्टर लेके, इंजन फिल्टर लेके, सॉरी आयल फिल्टर लेके इंजन में 7 लीटर पड़ता है, 5 से 7 लीटर या ऐसे ही इतना बताइए, ज़्यादा बताएंगे तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, फिर वो वहीं से नंबर कम कर देगा। और मैंने बताया वीडियो में कि नंबर का ही सब मार है, आपको जितना नंबर मिलेगा उस हिसाब से आपको सैलरी लगेगा, ठीक है ना, कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसलिए कि बहुत सारा एक्सपीरियंस लेटर हम लोग पास होता है, लेकिन हम लोग जाके जमा करते हैं तो वो होता है सीबी सिलेक्शन, उसकी बात अलग है, लेकिन जो इंटरव्यू करके लेते हैं ना उनकी बात अलग है। आप जितना रैंक लेकर आएंगे उतना आपको सैलरी हिसाब से लगा कर देंगे सब, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और दोस्तों अपने दोस्तों में ये शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे माध्यम से आपको मालूम चला है, आपके माध्यम से आपके दोस्तों को मालूम चले, आपके रिश्तेदारों को मालूम चले, ताकि इंटरव्यू में जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और आयल वगैरह के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने इसी 16 टन का फोरक्लिफ्ट का कितना कौन से टंकी में कितना कितना आयल पड़ता है, इसके टंकी कहाँ कहाँ होता है, मैंने सब दिखाया हुआ है, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। वीडियो का टाइटल है कि फोरक्लिफ्ट में आयल कौन कौन सा पड़ता है और कितना कितना पड़ता है, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जाके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।